पहले तो हमारे गोली लगी, तब हमारे को न्याय नहीं मिला, अब उनके गोली उन्हीं के परिवार के और लोगों ने मारी है तो भी हमारे को ही घसीट लिया। ये सब कुछ हो रहा है पॉलिटिकल प्रेशर के कारण हो रहा है। जिस आदमी ने मर्डर किया, गलत किया, वो तो अरेस्ट हो ही चुके, नजायज हमारे परिवार को आज परेशान किया जा रहा है। सरपंच के लड़के ने आकर के महावीर के लड़के कर्ण के ऊपर गोली चलाई। कुआरी गांव का एक ऐसा भड़कता मामला जिसने सभी के दिल को दहला कर रख दिया था। वहीं अगर बातचीत करें तो आज भी दर दर भटकते हुए उरी के गांव वाले नजर आ रहे हैं। एक बार चाहूंगी सबके चेहरे दिखा दें, सभी लोग वही लोग हैं जो न्याय की मांग को लेकर आज फिर से आईजी ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं, आईजी साहब से मुलाकात करने के लिए आते हैं। लेकिन उस मुलाकात में क्या कुछ रहा और घटना क्या कुछ थी ये जरूर जान लें, क्योंकि बताया जा रहा है 6 गोलियां अचानक से उनके ऊपर तान दी जाती है, उसके बाद मौके पर उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो आरोपी है उनको पकड़ने का प्रयास तो रहता है और पकड़ भी लिया जाता है, शायद उनके परिवार वालों में से कुछ लोगों को उठा के ले जाया जाता है, पूछताछ की जाती है, फिर छोड़ दिया जाता है। इस तरह के आरोप किसी और के नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबका खैर है। लेकिन मामला क्या कुछ है, कितने तारीख है, शुरू से जानेंगे क्या कुछ पूरी घटना थी। सर नमस्कार। देखिए मैं मास्टर शेर सिंह हूँ, एक्स प्रेसिडेंट किसान सभा हरियाणा, एक्स प्रेसिडेंट सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, एक्स प्रेसिडेंट टीचर यूनियन हरियाणा, और मैं जो कर्ण है उसका दादा लगता हूँ। कर्ण के पिता जो सरपंच होते थे उनका मैं मामा हूँ तो इसका दादा लगता हूँ। ये सब कुछ हो रहा है पॉलिटिकल प्रेशर के कारण हो रहा है। पिछले साल भाग के दिन, होली के बाद भाग के दिन, मतलब जो घटना घटी पिछले साल की, और उसमें सरपंच के लड़के ने आकर के महावीर के लड़के कर्ण के ऊपर गोली चलाई घर पर आके, और 6 गोलियां चलाई, और सरपंच का खुद का पिस्टल लेकर के वो घर से आया, और उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जिसका खुद का पिस्टल हो अपने घर से आकर के गोली चलाई हो, और उसको सरपंच को भी भ्याणा साहब ने गिरफ्तार नहीं होने दिया उस टाइम। और अब जो इसको मारने वाले हैं, इसको मारने वाला इसका ताऊ का लड़का ही, क्योंकि इसके ताऊ को इस सरपंच ने थप्पड़ मारा था पंचायत के अंदर, और उसका लड़का, ताऊ का लड़का बदला लेना चाहता था, वो जेल में है, बदला लेना चाहता उस, उन्होंने सारा अरेंजमेंट कराया इसको मारने, उनका ये था कि बहस इनकी यार इनके ऊपर पड़ जाएगी। दूसरी बात, ये जो मारा गया है, अब सरपंच मारा गया है, इसकी सूचना देने वाला खुद कर्ण है अपने घर के ऊपर, और कर्ण को पुलिस गिरफ्तार करती है 3 तारीख को और दिखाती है 9 तारीख को, घर से गिरफ्तार करती है और जाकर के दिखाती है दमा रोड के ऊपर। एक तो हम ये कहना चाहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर के कारण सब कुछ हो रहा है, इसलिए हमारी एक ही मांग है कि यह, क्योंकि बयाना असीम रहता है और असीम रहने के कारण वो दबाव डाल रहा है, और दबाव डाल रहे, उस दबाव को हटाने के लिए हमारी मांग ये है कि असीम के बजाय इसको किसी और एसपी को दे दिया जाए। पारिवारिक रंजिश कहीं ना कहीं रही, जो पारिवारिक कोई रंजिश नहीं थी, एक ही गोत्र के हैं, 5 यूपीडी में जाकर के एक हो जाते हैं, ये केवल मात्र सरपंच की दंगा बस्ती थी। इस सरपंच ने कई 5-5, 10-10 लाख रुपए लेकर के गांव के अंदर कई कांड ऐसे करके तेरे को नौकरी दिलाएंगे, और बयान के माध्यम से सारी इनकी ये षड्यंत्र चल रहा था। कमाल की बात तो ये कि विनोद भ्याना जी का नाम बीच में आ क्यों रहा है, क्या वजह है कि विनोद भ्याना जी को आप बीच में बार बार लेकर आ रहे हैं, बार बार मौके पर पहुंचे, बार 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 उसमें आरोपियों को बताते रहे, और इसमें आरोपी नहीं है उनको फंसाना चाहते हैं, इसलिए हम किसका नाम ले। नहीं तो आपने कहा कि जो आरोपी नहीं है उसको फंसाना चाहते हैं, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पकड़ा गया है? हाँ, पकड़े गए हैं। कौन है जो निर्दोष है? नंबर एक तो जो कर्ण है, कर्ण खुद बुलाने वाला है पुलिस को, बताने वाला है, और वो उसका अपने घर के ऊपर है। दूसरा जो भागतों की फोटो दिखे उसमें कोई नहीं है इनका घर का, और सारे के साथ लोकेशन ये कहती है उनमें एक भी आदमी कुवारी के अंदर नहीं है, उनको 7-8 को औरों को फंसा, महिलाओं को भी फंसा दिया, कर्ण की माँ को भी, कर्ण की बहन को भी, और कर्ण की वाइफ को भी, और उसमें दो तो गिरफ्तार है, कर्ण की माँ तब भी गिरफ्तार है। इसलिए हम कहना चाहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर है वहाँ पर, इसलिए इसको हंसी से आना चाहिए, परंतु क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, हम आंदोलन लड़ेंगे, न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कमाल की बात तो ये है कि पुलिस ऐसा क्यों करेगी, क्या पुलिस निष्पक्ष जांच के लिए नहीं बनी? आप कहना क्या चाहते हैं ये बता पाएंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ पुलिस जो है पॉलिटिकल प्रेशर में कर रही है सब कुछ, जो भी कर रही है, और हमें ये भी पता है पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर भी पॉलिटिकल प्रेशर के अनुसार होते हैं। अगर उनकी हिस्सेदारी ना हो, अस्तित्व ना हो राजनीति का,
पिछली बार भी हम यहाँ पर उस टाइम जजपा की चलती थी, पिछली बार जब घटना थी वो जजपा वाले ने, अब जजपा की तो कोई ताकत रही नहीं, इसलिए भैणा साहब जो वर्तमान ताकत में बीजेपी के एमएलए हैं इसलिए उनकी ज्यादा चलती है। और ये भैणा साहब कमा रहे थे उसके माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, भाई के माध्यम से। आप मेरे हिसाब से अभी नहीं से पहले ही बहुत बधाई जी ऑफिस के बाहर आए हैं, तो उस वक्त किस तरह का आश्वासन आपको मिला है? इससे पहले एक बार ठीक मिला था लेकिन अब की बार कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या बोला क्या है उन्होंने एक्चुअल में आज? उन्होंने जो बोला है उन्होंने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ लेकिन हमारे हिसाब से जो हमारे को लग नहीं रहा वो सही है। वो कहता है सबको गिरफ्तार कराओ सारे। अच्छा, पीछे हमेशा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं गांव वाले बहुत सारे मौजूद है, बातचीत सबसे कर लेंगे। क्या आप भी साथ में इनके आए हुए हैं? आप भी इनके साथ आए? क्या परिवार जनों में से ही कुछ लगते हैं आप उनके? हाँ, मैं उनका जो करण है उनकी बुआ का लड़का हूँ। ठीक है। और हमारे परिवार पे बिल्कुल नजायज ये कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस भैणा साहब के दबाव में सारी चीज कर रही है। सरपंच साहब बिल्कुल गलत थे, पिछली बार हमारे भाई के ऊपर गोलियां चलाई थी उस टाइम पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाया है, और आज जब कार्रवाई करने की बात आई तो उस टाइम कार्रवाई ना करके हमारे निर्दोष आदमियों को बार बार फंसाया जा रहा है। एक बात बताइए, करण जो है उसका बिहेवियर कैसा था, रवैया किस तरीके का था? करण पुलिस उसको क्यों फंसाने की कोशिश? करण का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा है, आज तक करण के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। किसी भी पुलिस तो पुलिस तो राजनीतिक दबाव की वजह से अपना काम साधने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रही है, इसीलिए हम अपने एडीजी साहब के पास आज मिलने के लिए आए हुए थे ताकि हमारे को न्याय मिले, किसी के ऊपर नाजायज कार्रवाई ना हो। पहले भी इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये तो सबको पता है कि कोई मर्डर करने के लिए क्या 25 आदमियों की जरूरत होती है। जिस आदमी ने मर्डर किया गलत किया वो तो अरेस्ट हो ही चुके, नाजायज हमारे परिवार को आज परेशान किया जा रहा है। क्या कोई महिला भी इस बीच में आई है जिसको गिरफ्तार किया गया हो या जिससे पूछताछ करने के लिए ले जाया गया, ऐसा कुछ सामने आया पाया है क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा मेरी चाची जी को और मेरी बुआ जी को पुलिस उठा के ले गई थी और 3 दिन तक अवैध रूप से उनको अपने पास रखा और तब जाके उनको छोड़ा है। नहीं, एक्चुअल में क्या पूछताछ करने के लेकर गए थे, अवैध रूप से किस तरीके से, आप कहना क्या चाहते हैं? ना तो भाई कानून में प्राविधान है कि आप किसी महिला को अगर गिरफ्तार करते हो तो 24 घंटे में या तो उसको छोड़ो या गिरफ्तारी दिखाओ, और 3-3 चर्चा दिन तक हमारे को ये भी नहीं पता चलता कि वो है कहाँ पे। एक बात और बताइए, कहा गया कि 3 तारीख को गिरफ्तारी घर से की जाती है। हाँ। लेकिन 9 तारीख को उस पर दिखाया जाता है, क्या कोई प्रूफ आप लोगों के पास है कि 3 तारीख को ही गिरफ्तार किया जाता? हाँ। है और 9 तारीख को दिखाया? हाँ, जाता बिल्कुल है। हमारे पास है जो करण के घर के ऊपर सीसीटीवी लगे हुए हैं, उस सीसीटीवी की जो डीवीआर है उसमें सारी फुटेज रिकॉर्डेड है, बिल्कुल उनकी रिकॉर्डिंग के अंदर पुलिस उसको 3 तारीख को शाम को लेके गई है अपनी कस्टडी में, और एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 तारीख को उनकी गिरफ्तारी दिखाई है। क्या 6 दिन तक वो फिर कहाँ रखे उन्होंने? पूरा मामला कौन से उसमें चल रहा है आपका? ये हांसी जिला में, सदर हांसी में ये सारा मामला है। ठीक है, तो वहाँ के एसपी साहब का रवैया किस तरीके का रहता है वहाँ के एसपी साहब? जो मकसूद अहमद साहब है वो न्याय थे, वैसे तो ईमानदार आदमी बताए जा रहे हैं, लेकिन वो जो विधायक है वहाँ पे विनोद भैणा जी, उनके राजनीतिक दबाव में काम करने लग रही है। ये सारा जो मामला षड्यंत्र जो ये सारा काम करवा रहे हैं ना, इनमें विधायक विनोद भैणा जी की ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप से इन्वॉल्वमेंट है। इस बारे में जानकारी आपको कैसे मिलती है? आप विनोद भैणा जी का बार बार नाम ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि विनोद भैणा जी पिछली बार भी जब इसके संजय के लड़के ने संजय के हथियार से कर्ण को 6 गोलियां मारी थी, तब भी हम विनोद भैणा जी के कोठी पे भी हम गए थे, खुद मैं भी गया था, मेरे परिवार के लोग भी गए थे। तब विनोद भैणा जी ने सबके सामने ये कहा था कि मैं संजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ये विनोद भैणा जी की खुद की कबूलियत है उसमें। और विनोद भैणा जी हर टाइम उस परिवार के साथ में रहते हैं, उनके व्यापारिक रिश्ते भी हैं, उनके अलग तरह के रिश्ते भी हैं, वो उनको, क्योंकि हम दूसरी पार्टी को वोट करते हैं वो उनको वोट करते हैं, वो उनके कार्यकर्ता होने के नाते उनकी लीगल इलीगल हर तरह से सपोर्ट करने लग रहे हैं। मामला कहीं ना कहीं राजनीति के बीच में भी आता हुआ नजर आ रहा है। 100% सारा सिस्टम ही राजनीति का, ये जो मारने वाले हैं वो तो उनके खुद के परिवार के लोग हैं, जमीन के विवाद में मारी है, एसपी साहब ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है, उसके बाद भी हमारे परिवार को तो जबरदस्ती का सीट लिया इसमें, पहले तो हमारे गोली लगी तब हमारे को न्याय नहीं मिला, अब उनके गोली उन्हीं के परिवार के और लोगों ने मारी है तो भी हमारे को ही घसीट लिया। एग्जैक्टली अब आप लोग चाहते क्या है, किस तरह की मांगे हैं जो फिलहाल हमारी मांगी है? जांच जो है वो बिल्कुल न्यायचित होनी चाहिए,
जो आदमी है ही नहीं मौके पे, चाहे उनकी मोबाइल लोकेशन निकलवा लो, उनकी CDR निकलवा लो, पुलिस के पास रास्ते बहुत हैं। वो आदमी हिसार में है, कोई अपने घर पे है, कोई अपने ऑफिस में है, और उन्होंने FIR में लिखवाया कि वो मौके पे, हमने मौके से भागते हुए कुवारी गांव में देखे गए, जबकि वो आदमी तो हिसार में मौजूद है। हमने सारे प्रूफ देने तैयार हैं, हमारे पास उनके सारा सिस्टम, पुलिस के पास भी उनके सारा सिस्टम है। नाम ना बताने की शर्त में गुपचुप तरीके से पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम दबाव में काम करने लग रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हमारे घरों पे रात दिन दबिश दी जा रही बिना वजह। कहते हैं कि तुम लोग या तो पेश हो, नहीं तो हम तुम्हारे को उठा ले जाएंगे, तुम्हारी महिलाओं को उठा ले जाएंगे, बच्चों को तंग कर रहे हैं। ये बात किसकी बोली हुई है? ये सारे पुलिस वाले आते हैं हमारे घर पे, वो कह के जाते हैं, हाँ बिल्कुल महिलाओं को उठाएंगे, अगर तुम लोग नहीं हुआ होगे तो, अब झूठे नाम लिखवा रखे, हम कैसे जाके पेश हो जाए उनके सामने। चलिए फिलहाल पूरा मामला शायद आप लोग समझ गए होंगे, उसी अगर बातचीत करूँ तो कुआरी गांव के जितने भी लोग थे, सभी लोग, सारे गांव के लोग जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं, और बातचीत जो है मैंने की है, पूरा मामला क्या कुछ था शायद आप लोग जान गए होंगे। और जो कि पहले की अगर मैं बात करूं, इतना हाईलाइटेड मामला था जो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा था, कहीं ना कहीं कि लोगों को पता चल चुका था कि वाली गांव में इस तरह का मामला चल रहा है। लेकिन वही अगर बात करें तो अब इन लोगों का कहना है कि जिसे यहां से गिरफ्तार किया जा रहा है वो दोषी है ही नहीं, निर्दोषों को परेशान किया जा रहा है, और इसी की मांग, और कहीं ना कहीं बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जिसको न्याय की मांग को लेकर आज IG ऑफिस के बाहर पहुंचे, IG साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन संतोषजनक जवाब अभी भी नहीं मिला, ऐसा इनका कहना है। आपको बता दूं कि पीछे काफी सारी महिलाएं भी मौजूद है, और ये भी सारी जो है गाँव से आई हुई है, शायद उन्हीं के गाँव की कोई माँ होंगी तो कोई बहन होगी, मतलब उसी परिवार का कोई ना कोई हिस्सा जो है फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। और पूरा मामला समझते हो, आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर जो इस तरीके से कुछ हो रहा है, जिस तरीके से विनोद भ्याना जी का नाम बीच में आ रहा है, कहा जा रहा है कि विनोद भ्याना जी इसके पीछे पीछे पूरा हाथ है इनका, तो अगर ऐसे सच में कुछ है तो दूध का दूध पानी का पानी हो, और नेता लोगों की ना देख के जो लोग न्याय के लिए बैठे हो उनकी न्याय की मांग को सुना जाए, और वीडियो को शेयर करना ना भूले।